सोलन में चुनाव आते ही मतदाताओं की मांग को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हर संभव कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे सोलन से विधानसभा चुनाव के प्रबल दावेदार हैं। इसलिए वे अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए अपने तूफानी दौरे कर जो भी गांवों की लंबित मांगे हैं उसे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने धारों की धार गांववासियों को बस का तोहफा देकर अपने वोट बैंक को पक्का किया। धनीराम शांडिल ने इस बस को हरी झंडी दिखाकर पुराने बस अड्डे से धारों की धार गांव की ओर रवाना किया, जिसे पाकर आज ग्रामवासी भी खुश नजर आए। इस मौके पर धनीराम शांडिल ने कहा कि इस गांव की बस की मांग काफी लंबे समय से उठ रही थी, जिसे आज पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बस के चलने से जहां एक ओर विद्यार्थियों को स्कूल तक जाने में सुविधा मिलेगी, तो वहीं कर्मचारियों को भी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में मदद मिलेगी।